हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिश कॉर्नर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पनीर कटलेट रेसिपी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने लिया है 1 कप आलू जिसे बॉईल कर मैश कर लिया है, 1 छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, 1 कप पनीर मैंने चॉप करा है, आप रेड भी कर सकते हैं, 1/2 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज गाजर बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हैंडफुल धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप सेवई जिसे बारीक क्रश कर लिया है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बोल में ऐड करेंगे मैश्ड आलू, चॉप्ड या ग्रेटेड पनीर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेटेड गाजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, अदरक पेस्ट, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, स्पाइसेस एंड सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पनीर कटलेट का मसाला तैयार है। अब हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 4 बड़े चम्मच पानी। इन सबको मिक्स करेंगे। हमारी कॉर्न स्टार्च स्लरी रेडी हो गई है। अब हम पनीर कटलेट्स बनाएंगे। अब हम मिक्सचर को अपने हैंड में लेंगे, उसको एक बॉल का शेप देंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक ट्यूबुलर शेप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम एक फ्लैट सरफेस पर इसको रोल करेंगे और दोनों साइड से टैप करेंगे ताकि एक प्रॉपर ट्यूबुलर शेप मिले हमारे कटलेट को। अब हम इसको डिप करेंगे कॉर्न स्टार्च स्लरी में, फिर इसको रोल करेंगे सेवई के अंदर। हमें ध्यान रखना है कि जो सेवई है इसके सारे सरफेस पर अच्छे से लग जाए। कटलेट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप, ओवल शेप, जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसा शेप दे सकते हैं। इस तरह हम हमारे सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अब हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल लिया, उसको गरम करा, ऑयल को चेक करा सिवई डालकर। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटलेट्स। फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि हमारे जो कटलेट्स हैं वो जले ना। 2 मिनट बाद हम इनको फ्लिप करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। हमें इन्हें इतना फ्राई करना है जो इनका कलर है वो गोल्डन हो जाए। कटलेट्स तैयार हैं। आप इन्हें गर्म गर्म सर्व करें टोमेटो केचप के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।